दोस्तों 2022 में 16 में से 15 रीमेक्स फ्लॉप होने के बाद अब देखते हैं 2023 में कितने बॉलीवुड रीमेक्स आने वाली है और क्या हमें इनका वेट करना चाहिए या फिर ओरिजिनल मूवी ही देख लेना सही होगा। इस साल टोटल 8 रीमेक्स आने वाले हैं, जिनमें से 5 तो साउथ इंडियन मूवीज से उठाई गई है और बाकी हॉलीवुड से। पहली मूवी है कार्तिक आर्यन और कीर्ति सेनन का शहजादा, जो कि रीमेक है अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वैकुंठ पुरुमुलु की। नंबर 2 द ब्लाइंड, सोनम कपूर की, जो कई दिनों बाद एक ब्लाइंड पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी, जो कि एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करती है मूवी में। नंबर 3 सेल्फी, अक्षय कुमार और इमरान हाशमी का ये मूवी। मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का हिंदी अडेप्टेशन है। फिर है सोरराई पोट्रू, इसका रीमेक उड़ान के नाम से रिलीज होगा और इसके भी मेन लीड है अक्षय कुमार। नंबर 5 पेसान्य मल्होत्रा की द ग्रेट इंडियन किचन, जो कि एक मलयालम रीमेक है और एक न्यूली वेड कपल की स्टोरी है। नंबर 6 द इंटर्न, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण एक बार फिर से पीकू के बाद इस फिल्म में नजर आएंगे एक साथ। नंबर 7 पे है अजय देवगन का भोला, जो कि कैथी मूवी का रीमेक है। एंड लास्ट है शाहिद कपूर की ब्लडी डैडी, 2011 की फ्रेंच मूवी स्लीपलेस नाइट की रीमेक है। आप इनमें से कौन सा रीमेक वाली मूवी देखना पसंद करोगे कमेंट में बताइए और ऐसे मजेदार रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।